सोए हुए थे और उनके पास ब्रह्मा जी आए और उनको आकर के प्रार्थना की कि मुझे इन दो मधुकैटम नामक राक्षसों से मुक्त बचाएं। और उसके बाद उनका युद्ध होता है, विष्णु का और मधुकैटम दोनों भाइयों का जल के अंदर युद्ध होता है। और वहां पर लंबी देर तक युद्ध होने के बाद माया शक्ति जो है वो उनको सम्मोहित करती है और वो विष्णु से कहते हैं आप हमसे वरदान मांगे, और विष्णु उनसे वरदान ये मांग लेते हैं उस सम्मोह की अवस्था में कि तुम अपने दोनों सिर मुझे दे दें। और वो उस वक्त कहते हैं कि ठीक है आप हम क्योंकि हम आपकी वीरता से प्रसन्न हैं तो हम अपना जो बलिदान दे सकते हैं, सिर कटवा सकते हैं, लेकिन जहां धरती, जहां सूखापन हो, जहां धरती हो वहां पर। तो वहां पर सम्मोहन की प्रथम कहानी जो है वो हमें देखने को मिलती है। दूसरी एक और इंटरेस्टिंग कहानी देखने को मिलती है सम्मोहन विद्या की, कि शुंभ और निशुंभ दो असुर हैं, दोनों ने बड़ी तपस्या की, शिव जी को प्रसन्न कर लिया और इंद्र को जीतने के लिए उन्होंने तपस्या की थी। तो जैसे ही वो शिव से वर मांगने लगे तो वहां पर माया की सम्मोहनी शक्ति जो है उनके गले में आके बैठती है और वो वहां पर इंद्र को जीतने की शक्ति मांगने के बजाय वो वहां पर उनसे क्या मांग बैठते हैं कि आप हमें पार्वती प्रदान कर दें, अपनी पत्नी हमें प्रदान कर दें। और फिर उसके बाद घटना जो भी है उसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन ये दूसरा उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तीसरा एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कथा है, पौराणिक कथा भस्मासुर की, आप लोगों ने सुनी होगी कि शिव की तपस्या की और उससे उनसे ये वरदान मांगा कि जिसके सिर पे मैं हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। और सबसे पहला प्रयोग वो करने के लिए शिव की ओर चलते हैं, भस्मासुर जो है वो चलता है और शिव आगे आगे और भस्मासुर उनके पीछे पीछे। और रास्ते में विष्णु जो है उनको बचाने के लिए मोहिनी के रूप में आते हैं और उस पे आकर्षित होकर के वो नृत्य करने के दौरान जो है वो भस्मासुर अपने आप को ही भस्म कर लेता है। ये तीन कहानियां तो हमें ये दिखाई देती। एक बात मैं और आप लोगों के ध्यान में देना चाहता हूं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन, ये संस्कृत वालों के लिए थोड़ी सी अजीब सा शब्द होगा, उतना सुविधाजनक नहीं है, लेकिन जब उसको अनुवाद करते हैं पिछले जन्मों की बात, पुनर्जन्म, तो पिछले जन्मों की बात का संदर्भ हमें बड़ा स्पष्ट मिलता है। और भी कई उदाहरण है लेकिन मैं उसमें नहीं जाऊंगा। वहां पर जब शरशैया पे लेटे हुए भीष्म हैं और कृष्ण उनके पास खड़े हैं तो उस वक्त भीष्म उनको कहते हैं कि मुझे अपने पिछले 10 जन्मों तक जहां तक याद है कि मैंने कोई पाप कर्म नहीं किया, मैं देख पाता हूं, लेकिन फिर भी मुझे ये शरों की शैया जो मिली है इसका क्या कारण हो सकता है। तो कृष्ण वहां मुस्कुरा करके कहते हैं कि भीष्म तुम तो केवल सिर्फ 10 जन्म देख सकते हो पिछले, मैं तो तुम्हारे अनंत जन्मों को देख सकता हूं और तुम्हारे उन अनंत जन्मों में से एक जन्म ऐसा है जहां पर एक हिरण तुमसे भयभीत होकर कांटों में जा गिरा था और वहां पर उसकी मृत्यु जो है वो इस तरह से हुई थी, जिसके कर्म का फल आज तुम्हें अब मिल रहा है। तो आप देखें कि बहुत सारे तुलनात्मक स्तर पे ये चीजें आपको अपनी परंपरा में और आधुनिक विज्ञान में देखने को तो मिलेंगी, लेकिन तुलनात्मक होने पर भी आपस में समन्वय कैसे होगा ये हमारी आज की समस्या है। मैडम अक्षता बालाजी से जब मेरी बातचीत हुई और कश्मीर शैविज्म के संदर्भ में ही उनसे मेरा परिचय हुआ, और उस दौरान जब बातचीत चल रही थी तो मैडम ने जब नाम लिया डॉक्टर ब्रायन वीज का तो मेरी एकदम रुचि जाग गई, क्योंकि ब्रायन वीज की मैंने लगभग 8-9 वर्ष पूर्व, 10 वर्ष पूर्व जो हैं दो पुस्तकें पढ़ी थी। अमेरिका में डॉक्टर हैं एमडी साइकेट्री के, और मैनी मास्टर्स मैनी लाइफ्स और एक बुक और थी, और उसमें उन्होंने वो प्रयोग किए थे हिप्नोसिस के थ्रू जहाँ पर अपने पेशेंट्स के ऊपर, कि पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाकर के पिछले जन्मों के बारे में पता किया और आपसी संबंधों की बात उन्होंने हमारे सामने कहानियों की फॉर्म में रखी है लगभग। लेकिन एक चीज बड़ी मजेदार थी कि क्रिश्चियन कंट्री में रहते हुए, क्योंकि क्रिश्चियन जो बिलीफ सिस्टम है उसमें तो है कि एक जन्म है और उसके बाद आपका जो है फैसला होगा जब कयामत का दिन आएगा, लेकिन ऐसे क्रिश्चियन कंट्रीज में इस तरह के प्रयोग करने कि पास्ट लाइफ क्या थी
और पास्ट लाइफ में आपके किसके साथ कौन से संबंध थे, ये बड़ी एक रुचिकर बात हो जाती है। और इस तरह की कई पुराण में हमारी कहानियां देखने को मिलती हैं जहां पर पिछले जन्मों में कोई किसी का पिता था और पिछले जन्मों में कोई किसी का पुत्र था। तो ऐसी कई राजाओं की कहानियां हम देखने को, बीच में अगर संदर्भ आएगा तो मैं निश्चित रूप से आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो वो एक हमारे लिए एक सुखद संयोग कह लीजिए, लेकिन जुड़ने का एक मौका हो सकता है कि हम उनको भी एक्सप्लोर करें, अपनी संस्कृति को भी एक्सप्लोर करें और इधर विज्ञान की दिशा से भी हम चलें, जिससे कि मनुष्य को मेंटल वेलबींग की उपलब्धि हो सके। तो ये मेरी एक भूमिका थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रहा था कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ, ये करने की आवश्यकता क्या थी। और उसके लिए मैडम अक्षता जी ने अपना वक्त हमें दिया, अपनी सहमति दी और बड़े आनंद से उन्होंने इस बात के लिए हामी भरी। मैं उनको आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो हमारे साथ अपनी बात शेयर करें और उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स रहेंगे और लास्ट में जो है हम इसके ऊपर कमेंट्स रहेंगे डॉक्टर अनिल के अग्रवाल जी के। मैडम अक्षता, द प्लेटफॉर्म इज योर्स। She will be talking, speaking in English mostly, but I will request her to use Hindi also sometimes, because from Karnataka it may be little bit difficult for her to speak in English, maybe. Welcome, Madam Akshata. Thank you, Ashutosh ji. So you're right about Hindi. I predominantly will be speaking in English. I will try and speak in Hindi as and when I can. But again, let me assure you that my English is pretty simple. It's not really, you wouldn't need a dictionary to look up my vocabulary. Thank you very much for the intro, which was very interesting, Ashutoshji. There are things that are there in our own mythology and our own heritage that are extremely intriguing, and they connect beautifully to what we think is modern, what we think is new, but not really. These things are not really new. One of the things that that I thought of when you were talking about past life regression and relating it in or giving it a Sanskrit terminology, in Patanjali's Yoga Sutra, he calls it pratiprasava. So I guess, I don't know, I'm not adept at Sanskrit at all, so maybe some of you would know if that is the right terminology to use. Anyway, so getting on with this, my namaskars to everybody, my greetings to all of you that have taken time from your schedules to sit down and excuse me, madam, your video is excuse me, ma'am, just for the interruption. Video is not visible. I'll put the video on. Please. Video and bit louder. Bit be louder. Okay. Yeah. I think there's a little issue with the network, and maybe because there are too many people streaming their videos right now, maybe the load is a little too much. Maybe that is the reason. So in between, I was not able to hear you, Ashutosh. Are you able to hear my voice now? Can you hear me now? Am I better audible? Yes, please, we can hear you. Okay, great. Perfect. So, as I was saying, in the Patanjali Yoga Sutras, Patanjali talks about pratiprasava, apparently past life regression. So maybe that's a terminology is what I was saying earlier. To go on, I was also saying my wishes and greetings to everybody that has taken time off to be here, join along. For whatever, to listen to what I have to share, and of course for me to listen to all of you with your knowledge as well. Thank you, Ashutoshji, for making this happen, this platform, so that we can all share and learn together. So let me begin with a question. How many of us are very confident in saying that we've never been hypnotized?
I know none of us can answer right now, but think of the question and then answer it for yourself. Most people think that I've never been hypnotized unless they've been to a hypnotherapist, but most people think they are not been hypnotized at all. And many people also think that they cannot be hypnotized. So have you ever caught yourself, maybe while watching a movie, watching TV, maybe the news, have you ever noticed, or even when you're reading something, very engrossed in your reading, and you may have noticed that the doorbell is ringing, or your phone is ringing, or someone's calling out your name at home, and you can hear it, but you don't respond immediately. You're completely engrossed in whatever you're doing. That is a trance, and hypnosis is a trance. So have you also maybe noticed that when you drive to work, or when you're driving back home, or even if you take public transport and you're going the same route every day, have you noticed that sometimes you may have passed a certain supermarket, you've passed by a certain bank or a certain structure or building, and you won't even have realized, and you just go reach home or your workplace. You're almost like you're on an autopilot. So that is also a trance. So what's the difference then between that trance and a hypnotic trance? The difference is just that a hypnotic trance usually is with a hypnotherapist and a hypnotist who would induce the trance state for a certain purpose, usually purposes of healing and therapy and emotional, physical well-being. So that trance is used for certain purposes, and this trance just happens. It just happens for all of us, just like that. So hypnosis is actually a trance which is induced, in which a person has a heightened suggestibility, which means you would follow instructions. Now, does it mean that you'll follow any kind of instructions? No, you will not. I will come to that in a bit. What is hypnotism then? Hypnotism is the art of inducing hypnosis. And then what is hypnotherapy? Hypnotherapy is where the same hypnosis is used as a modality, as a tool, to help people with different issues, physical, emotional, spiritual, different issues that they may have. For most people, hypnosis usually feels a bit, they're a bit apprehensive about it. Some people even afraid of it. That's because of whatever we've seen on TV, on media, and in the movies. Somebody can hypnotize you and they can get you to go rob a bank. They can get you to sign an important document unwillingly, or people who can get you to go murder somebody. Well, all of that really actually is just the masala in the movies. In reality, it is actually, in how much I have understood and heard and also seen, Madam, your voice is lost. Madam Akshata? You can mute your video. She can mute the video, and if any other gadget is also on Wi-Fi, then she should switch off the other gadgets on the Wi-Fi. Yes. Just we have to wait a little.
I don't know how what's happening. This, let me check. Madam Akshita, are you listening? She has joined from the other connection also. This technology is not very reliable. Her video is back. I don't see her video. I see her two connections right now. Let me put her again. Are you able to hear me now? Now, yes. We are eagerly waiting for you. Okay, I don't know what the problem is. It's with the internet. I'm thinking it is because there's an influx of too many people joining in. Maybe the internet is not able to take that load, I think. I don't see any other reason. Because when I generally have a one-to-one meeting on Skype and Zoom, it works really well. Maybe it is because of a lot of people on one call. Anyway, we have to carry on with this. Yeah, right. Sorry. I'm sorry about that. Okay. Is it, do you think it may make a difference if everybody puts their video off? Everybody is requested. I think it will not, it should not hamper anything. Everyone, but anyway, I'm not I request everyone to mute their videos. Akshita ma'am, your own mobile's Wi-Fi should be off, or any other gadget nearby should Hello. Not be running on Wi-Fi. Then it will be absolutely clear. So, yeah, I have nothing else running on Wi-Fi okay, right now. Okay. Anyway, you please carry on. We'll see to it. We have to. Right now, there's nothing else running on Wi-Fi. Problems. Please carry on. Okay. Can you give me a minute just to check if any other Wi-Fi is on any other gadget? Please. Because we don't want to lose anything, any good words. Dr. Ashutosh, good morning. Sanjeev this side. Ji, sir. सर कुछ लिमिटेशन का कुछ इश्यू है क्या? काफी पार्टिसिपेंट जुड़ नहीं पा रहे हैं, उनकी फोन आ रहे हैं मेरे पास. लिमिटेशन है सर इसके. वैसे तो 100 की कैपेसिटी होती है लेकिन कोई बात, लेकिन इस वक्त भी 113 हमारे साथ हैं. नो प्रॉब्लम सर. We'll share the link. हाँ जी, इसको we'll put on the YouTube. Right, sir. हाँ जी मैम. मैडम अक्षता, इज एवरीथिंग ओके नाउ? यस. हाँ ओके. या होपफुली नाउ शुडंट बी अ डिस्टरबेंस. नाउ यू आर जस्ट वन मोर फोन वाज वर्किंग ओनली वन मोर फोन वाज वर्किंग ऑन द वाईफाई व्हिच आई आस्क्ड टू डिस्कनेक्ट. राइट, सो होपफुली एवरीथिंग शुड बी फाइन. जस्ट बी लिटिल लाउड बिकॉज़ वी हैव टू बी लिटिल लाउड. इज दिस ओके? एम आई ऑडिबल नाउ? Yes, it will do. Okay. All right. So I don't know where you lost me in the last few minutes, but I was talking about how there is a notion that only weak minds can be hypnotized and strong mind cannot be.
Well, I really don't know what a weak mind is, but for hypnosis, a person or the subject must be of above average intelligence, have decent operating language skills, just so that comprehension of instructions becomes easy. So I really don't know if that is a weak mind, because I think someone who is above average intelligence and can comprehend pretty well, I think that's a strong mind. But again, as a person, I really don't know if there's anything like a weak mind or a strong mind. I think mind is the mind. What is really needed for a hypnotic induction to be successful is a person's willingness, a faith, a belief, and it's also about being cooperative, wanting to do it. Any resistance will only become more difficult. Now, resistance can come because if someone's forcing you to do it, like a family member wants you to do it, or your own belief system that does not agree to undergo a hypnosis, so then there may be resistance. But that's just resistance, and that can also be dealt with pretty easily. So hypnosis is about, successful hypnosis is about being the person being fluid and not rigid. That fluidity is what will help you go into a trance much more easily. And one of the things that one of my trainers used to tell me is that whenever you put someone in a trance, whenever you hypnotize someone, you go first. So you go into trance first, and then they will follow. So anyway, so anybody pretty much can be hypnotized. So that's a question a lot of times that you get. Can anybody get hypnotized? Are there people who cannot be hypnotized? Well, it's just, I think there are only two kinds of people. One section that can be easily hypnotized, and the other that is probably not so easily hypnotized, that are a little difficult. So I do have some experience with some people who are a little not so easy with hypnosis. But then I believe that hypnosis does not begin when the person closes their eyes. In fact, hypnosis begins from the time they walk up to the hypnotherapist. There's a little pre-hypnosis talk that I do, and which is about 5 or 10 minutes. And that in itself starts easing the person into a trance, and that becomes easier. So I think it's very important to do that. So then the person is a bit more flexible, a little fluid, and then it is easy. So even if there is resistance, that is when the resistance slowly breaks down. Like I said earlier, as much as the person may be fluid and flexible, it is really not possible to get people to do anything and everything that the hypnotist wants them to do. It has happened many times that I have in a trance, a person, a client is in a trance, and if I have asked them something, and if it's a very personal question and they don't want to share it, many times they themselves have told me, can we not talk about this? I don't want to open this up. So they've been under control where they have said they don't want to share a certain detail about their life. And I think that is a great indication to say that you are under control and not me as a hypnotherapist. I'm a facilitator to help you go into a trance and open up your subconscious mind. But I am not someone who can extract anything from you as a hypnotist. So there's a lot of different misconceptions. There's a lot of different wrong notions of about hypnosis. One of them is also stage hypnosis, where people go up on stage from an audience and the hypnotist can just say sleep and they can fall asleep, and the hypnotist can give the person water and tell them that you're drinking coffee and they agree, or they may walk like a chicken and things like that that they do on stage. Well, that is part of entertainment. Some people think that is entertainment. So that is part of entertainment. But then even there, the hypnotist is very highly skilled in the sense that when he gets into the audience, he
gets an idea, a fair idea as to who could be suggestible, who could be willing to come up on stage. So they do all of that. And there's a lot of work that goes to make stage hypnosis happen. Okay. I thought there was some disturbance. All right, so this is the basics of very, very minimal basics. Okay. I'm sorry, is there some disturbance? I'm looking after whose mic is on. I'm looking just. Maybe you can mute all the questions. From KM, please mute your mic. Dr. Santoshi. And don't pin yourself. Okay. Are we good? Please carry on. Okay. So I will check out everyone. All right. So, that's a little brief background on what hypnosis really is and what are its notions that people have and what people think of it. It's very common for me to get that look from people, oh my God, you hypnotize. That's a very common expression that I get from people. That's because the awareness of hypnosis, what it is and what it does and how it can be helpful is pretty much not there. And there's very few people who really know exactly what hypnosis is and what it can do and how it can help. So in the West, hypnosis has been quite widespread, though not completely mainstream, but it is still pretty okay. And there is, to some extent, a certain kind of acceptance. In the Eastern, we still haven't come to terms with modern hypnosis for the reasons, pretty much the reasons that I said earlier. Then there are other typically Indian, East Asian hypnosis, because it sort of has a wrong name there, from the things such as black magic, Vashikaran and things like that. So because of that, we do have a slightly that kind of notion that hypnosis can be dangerous or harmful. Well, that's a whole different segment to take up if we do. All right, so to address hypnosis from the mental well-being perspective, from the science perspective rather, I would take on the medical science on that tangent. I would take on that tangent. Hypnosis, like I said before, in the West, it is pretty much in use, especially for pain control. For example, you're going to a dentist, and just before you go into the procedure with your dentist, it's possible that a hypnotist may work on you on controlling the pain that you may go through, and any such medical procedures. So it's a little more common there than it is here. And then there are different other issues that hypnosis can be used for in the medical segment. So whatever medical doctors treat with medicines and in their field, there are a lot of such health issues that are very highly related to the mind. I think some of the doctors here may have that kind of experience where they know that it has some connection with an emotional state with their mind. So some of them are almost all the autoimmune diseases or disorders, conditions like Hashimoto's, which is a chronic thyroid condition, IBS, irritable bowel syndrome, colitis, stomach ulcers, rheumatoid arthritis, also things like asthma.
cancer, if you ask me, I have been able to find a few people who have been healed with hypnosis. Body pains like sciatica or anything to do with the spine, cervical spondylosis, lot of these troubles, lot of these health issues have been able to trace back to some form of emotional trouble, some form of mental trouble. So there was this woman who, a young woman actually, she had irritable bowel syndrome for a very, very long time, many, many years. And it was found that after trying different methods, different medications and everything, when we went into a hypnotic state, it was found that she was, as a young child, it was found that her father passed away, and suddenly everything fell apart, life fell apart. And you know, the feeling of, we humans generally like to feel like everything is under control. So that aspect for her became difficult, like she can't control anything. So this obviously happens very unconsciously, very subconsciously. It does not happen consciously. So that was one of her, that was where it came for her. And sorting that out helped ease her digestion, helped ease her intestines really well. And she's much better now, and she really has no extreme troubles with her IBS. There was a person in London that I met, and he had vitiligo. Vitiligo is where the skin turns white. If you've seen a lot of people whose skin all over their body turns white in patches. So this man was a doctor himself, and he was in his 60s. He got to know about what I do, and he came up, it was in a seminar when I was training in London. So he got to know about me, and he came up to me and he said, do you think we could do something about this? And it was interesting to see how about 10 years ago, his son, his adult son, they come from a Hindu background, but born and raised in Africa for three generations. So his son converted into another religion. And that hit him so hard, and he started blaming himself as to, what did I do wrong in raising my child? What happened with my parenting that my child could not find roots in his own religion and felt the need to convert into another religion? So that felt like a failure, and he could not accept himself as a father. He couldn't accept his own parenting, and that started working against him. And that's when your body treats your own cells as foreign, and that's when autoimmune diseases. So vitiligo is one of them. So there are many such examples that I can give. Sciatica is about feeling responsible, that I have to do everything, I have to take on everything, I'm responsible for everybody's well-being, taking care of family and doing everything that is possible. So that extra responsibility that people take on, and the back starts manifesting that stress that you take. Also, when I said cancer, so in my experience of people with cancer, what I have seen is three emotions, hatred, jealousy, and animosity is what I have found to be the reason where it manifests into cancer in your cells. So this again, it may necessarily may not be from this life. It could be from these emotions coming from different lives in the past. So over different lifetimes, okay, somebody has written that I speak in Hindi. I'm in this flow of speaking in English right now. So let me try some few words, few sentences in Hindi also, because people from Sanskrit are also here. Okay. They are very eager to listen to you and understand the whole matter. So please. Possible.
I don't know how much that justice I can do to that. Please go ahead. So people who have cancer, this is the basis that I have seen. And like I said, it may or may not be necessarily coming from this lifetime. It could be from number of previous lifetimes that it comes. So so right now I'm dealing with, I'm talking to you about different physical ailments and disorders and conditions, which are medically treated generally. But you also notice that I'm talking about different lifetimes and how it goes across different lifetimes and can manifest in the kinds of diseases that people have. So that is where I have found that it is really hard to bifurcate spirituality and spirituality and science. I think they go hand in hand. I think they are an extension of each other. Though a lot of spirituality has not been explored yet by science and proved yet by science, but I think somewhere a lot of these two are intermingled and intertwined. Okay, so there are other troubles that people go to a doctor, such as mental issues or rather emotional issues. There are things like one would go to a psychiatrist, such as insomnia, anxiety, phobias, fears, depression, suicidal tendencies, bipolar disorder, PTSD, which is post-traumatic stress disorder, paranoia, and things like that. So I'll try and say this in Hindi. So एक लेडी आई थी मेरे पास, उनका प्रॉब्लम था इंसोम्निया. वो साइकाइट्रिस्ट के पास भी जा रही थी और उनको लगा कि शायद ये भी उनको देखना चाहिए कि एक हिप्नोटिज्म में कुछ उनके लिए कोई इससे भी हेल्प हो, मदद मिल जाए. तो हमें ये देखने को मिला कि कुछ साल पहले, लगभग 20-22 साल पहले, उनकी एक बहन रहा करती थी उनके साथ, जो अपने फैमिली को छोड़ के आई थी. और ऐसा हुआ कि उनकी बहन काफी तकलीफ में थी, तो ऐसा हुआ कि एक दिन उन्होंने आत्महत्या कर ली, सुसाइड कर ली. तो उस वक्त इनको क्या लगा, तो ये सब हमें हिप्नोटिक ट्रांस में पता चला कि उनको ये लगा कि मेरी बहन को मैंने ठीक से देखा नहीं, इसकी देखभाल नहीं की मैंने, और बिकॉज ऑफ मी, मेरे वजह से इसने अपनी जान ले ली. तो शी टुक द होल बर्डन ऑन हरसेल्फ, सब कुछ अपने ऊपर ले ली उन्होंने कि मेरे वजह से ये सब हुआ. तो दैट, बिकॉज ऑफ दैट, उसकी वजह से जब भी रात को सोने जाती थी तो बिल्कुल नींद नहीं आती, कभी दिन में आधा एक घंटा सो लिया कभी कभार, एंड समहाउ शी वुड मैनेज विदाउट स्लीपिंग कंटिन्यूसली एट नाइट. सो इट वॉज इन हर केस, इट वॉज गिल्ट. I think we have lost her voice again. Madam Akshata. Are you able to hear me? Yes. Please go ahead. Go ahead. Continue. Hello. Please continue. You are audible. Hello. Hello, ma'am. Are you able to hear me? Yes. You are audible. Please go ahead. Don't bother about video now. Hello.
Akshata, your voice is not audible now. Can you reconnect one? Get yourself disconnected and then reconnect. That will be better option, I think. Hello. There is. We all need patience. Yes, Madam Akshata. Other Yeah, I'm connection so is on. sorry about this. My connection seems to be having really, really big trouble today. Okay. Are you able to hear me? Please go ahead. Don't bother about the Okay. video now. Okay, all right. Okay, so yeah, I was talking about the different mental, medical, physical and mental issues that people go to doctors to find medical help, which have also been able to be treated with hypnosis. And when I say hypnosis, it can be, so when I say hypnosis, it can mean that in hypnosis, we have tried past life regression. Again, we have lost the connection. Doc sahab, डॉक्टर अक्षर हाँ जी संजीव उनसे जी जो वीडियो पुट आउट कर रहे हैं तो ऑडियो यस आई हैव टोल्ड हर सर अगर वो मैडम अक्षता आप अपना वीडियो प्लीज ऑफ रखें कोई चिंता की बात नहीं है वी जस्ट वांट टू लिसन टू यू कीप योर वीडियो ऑफ Who also say, I can't meditate, I can't focus on anything. So there are a lot of, one more very common statement I get to hear is, I feel like I have lost alignment. Please mute your video and you just unmute your mic and go on. Can you listen to me? Are you listening? This is the one such webinar where we have so much problem of technology. Are you able to hear me now? Yes. Okay. No voice now. Hello? हाँ जी Yeah, मैडम I think I'm better now. यस 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 Yes, okay. Yeah, okay. So I was saying, how some of these medical issues, I took that on that tangent, talking about science and hypnosis. So talking about the spiritual side, we get to hear a lot about people saying, I feel like I'm stuck in life. I feel like I'm not in touch with myself anymore, or I'm not in alignment. These are some terminologies that I get to hear pretty often
I'm trying to find the Hindi words to say this, but for these reasons, hypnosis has been very effective here as well. Hypnosis takes one on a journey, on an inner journey, on a journey of the inner realm. Hypnosis khud ko apne andar le jata hai. In the beginning, we talked about, or Ashutosh ji, you said, apne kaha tha ki, meditation is not the same as hypnosis. Well, it may border on hypnosis, I think. My personal understanding is that it may border on hypnosis in the sense that a lot of times in meditation, we do sit down with a certain sankalpa. हम ध्यान के लिए बैठते हैं तो भी कभी कभी कुछ लोग होते हैं जो संकल्प बना के बैठते हैं कि ये करना है वो करना है जो भी उनको उससे हासिल करना है मेडिटेशन के द्वारा. तो ये जो संकल्प करते हैं तो दिस इज अ सजेशन दैट यू आर गिविंग योर सेल्फ विच इज एन ऑटो सजेशन. So this auto-suggestion that you give yourself is, in a way, can be called self-hypnosis. So somewhere meditation may actually be pretty much like hypnosis, except there you are not meditating, you are not having instructions from an external source, but your instructions are from yourself. So in that sense, and from that perspective, it could be termed as self-hypnosis. But so generally, hypnosis is something that takes you on an inward sort of a journey. And this is where people find a deeper meaning to life, a deeper connection with themselves. It is in this inner realm. अपने अंदर जाके ही फिर लगता है कि हर कोई प्रश्न का समाधान, हर कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन, हर कोई ऐसी चीज हमारे बाहर नहीं हमारे अंदर ही है. एंड बिकॉज ऑल ऑफ दीज इश्यूज वट एवर दैट वी फेस इन लाइफ ऑल आवर प्रॉब्लम्स एंड क्वेश्चंस ऑल ऑफ दीज आंसर्स रिसाइड विद इन आवरसेल्व्स. दैट पाथ और दैट गाइडेंस दैट वी नीड दैट वी लुकिंग फॉर जो हम बाहर ढूंढते हैं वो सब अपने अंदर ही है. एंड मेनी टाइम्स देन नॉट अ पर्सन दैट पीपल दैट आर लुकिंग that they are looking for a guide outside to help them, to protect them, to guide them. All of that, interestingly, they find within themselves. And this has personally happened with myself as well. Many, many years ago, when I realized when I was meditating, I would find my answers, day-to-day problems, nothing major, nothing very grave, but day-to-day issues, questions. So for all of that, I was able to find answers within myself. And that is when that was my first introduction to the world within. But that's a different story. So it is just to say that hypnosis is an inner journey. It's a journey that we make within ourselves. And part of the methods that involve in this journey within, in a spiritual context, is one of them is past life regression, which we've talked about a little before, where past life regression has very interestingly been very effective in helping people with different physical ailments that they have, with the different emotional issues that they have, but also giving a great insight into how life really works. How life and death works, and how the idea of how life is a continuum and we only change bodies on the way. It's like stopping at a train station, getting down, catching another train, and the journey goes on. So this is something that a lot of people understand. And when that is understood, I don't know if there is anything to fear in life anymore. There is nothing to be anxious about. There is nothing to be afraid of. Once you know how this
whole dynamics works of life and death. So going within helps in that way. So past life regression has helped a lot in that sense. There is also something called womb regression, which is going back to the stage where you're still in the womb of your mother. You're not born yet. You're conceived, but you're not born yet. So in those 9 months. So that womb regression is something that helps people if there has been any complications physically, emotionally, spiritually, people going back into the womb, regressing them back there and dealing with that and coming back has helped a lot. So a lot of people have this question, especially if they have a very highly spiritual bent of mind. People have this question, why did I have to take birth? Why did I have to come into this body? So this womb regression and past life regression help a lot in understanding that. There's also something called life between life regression. So that is where you're hypnotized to go back into a time when you've died. I mean, you've left the body, a previous body, and you're not yet come into a new body. So that's that in-between phase. So that is the life between life regression. In the West, the most adept, the most expert you could call in the West is a person called Dr. Newton, Michael Newton. I haven't studied with him, but I've read his works. So if you're interested, you could look him up. I have not heard yet about this in our Indian terminology, in our Indian scenario. I have not heard of anybody who does it. Or if it goes back into our in our heritage and back into mythology. Maybe Ashutosh ji and some of you who are very, very rooted in our mythology may be able to give some interesting stories about this. And that would be eye-opening. I'd love to hear some. Also going back to womb regression, like how the child inside the womb gets and understands and figures everything that's going on around. The biggest and the most used example is Abhimanyu, when he was in Subhadra's womb. Then there is also something called inner child healing. This is mainly done when someone has emotional issues as an adult, and also, of course, spiritual issues as an adult, where we go back, and if the person has had a difficult childhood and has found it very difficult to accept himself, to accept the body that he or she is in, that in that area, inner child healing comes very, very handy. There is also something called hypnotic dream work. Now, this is something where we all have dreams at night when we sleep. And these dreams, some of these dreams can be repetitive, they can be recurring. And all these dreams that come to us, if something, some of these dreams are very troublesome, or if they're very intriguing and you want to know what it is, and you feel like there is some connection with yourself, your current life and the dreams. So then this is where the person is put in a hypnotic trance, and we retrieve that dream and find what it is trying to say to you symbolically. The aspects of the dream, the symbolic aspects of the dream, we try and find out the meaning of that. And that meaning has to come from the person within, from himself. So we try and do that. Then there is something that's called soul detachment. Now, this is something that sometimes when things look like a possession, or there is this hunch or a doubt that another atma has gotten into this person. Now, this is, I have not heard my trainers talk about this because all my trainers are Western trainers. So I haven't heard them talk about it. But generally, from an Indian perspective, this is pretty common. And in this regard, I have had a few cases where people have been able to. But I have not worked with the person who's going through that possession, but I worked on a family member who's close to the person. So in one case, I worked with the younger brother
whose elder brother seemed to have some disturbance from another entity, from another soul. So doing that helped relieve that young, older brother of that other soul and was able to come back to living a normal life. So, but this happens, doesn't happen so often. I have not had too many clients in this particular area, but it is something that does happen. Then comes communicating with the soul of someone who has passed away. So someone in the family has passed away, probably in an accident or a suicide, or suddenly without a reason, without a physical medical reason, somebody has passed away. So then people usually want to know or make peace with it. And to make peace with it, to help them grieve and release that grief, this communication of the with the soul of the deceased is has been very helpful. So it has, in certain cases, it has helped people put this particular death in the family at rest, and they've been able to move on with life, carrying good memories of that person. So it happened when there was a husband who had lost his wife very early, and their children were still very, very little. बच्चे बहुत छोटे थे एंड इनकी इनकी बीवी इनकी वाइफ इनकी पत्नी सडनली कहीं जा रहे थे और एक पहाड़ के ऊपर जा रहे थे और उनको कोई हार्ट की बीमारी नहीं कुछ नहीं वो शायद 30-35 की थी और वहां से नीचे उतरते हुए वो बस एक पत्थर पे बैठी और ये भाई साहब गए अपने बच्चों को गाड़ी में छोड़ने और दो मिनट के बाद वापस आए तो देखा तो बीवी नहीं है मतलब वो मर चुकी थी तब तक इट वाज दैट क्विक सो ही वाज कंप्लीटली शटर्ड एंड वांटेड टू नो व्हाई दिस हैपेंड एंड व्हाट इट वाज द रीजन दैट शी लेफ्ट सो अर्ली एंड दैट वाज माय फर्स्ट केस दैट आई हैंडल्ड वेयर समबडी वांटेड टू कम्युनिकेट विद द डिसीज्ड एंड दैट ऑफ कोर्स ब्रॉट हिम अ लॉट ऑफ पीस एंड अंडरस्टैंडिंग एंड ही वाज एबल टू let go. He was actually angry with his wife. Gussa tha unko apne bevi ke upar ki wo itni jaldi mar gayi. Inka dehant hua. It is sad. Something that is very difficult to accept and take, especially when you have such small children. And then some people do this for also contacting higher beings, enlightened masters. So like Ashutosh ji mentioned in the beginning of Dr. Brian Weiss, इनके किताब में इनका पहला जो बुक है मेनी लाइव्स मेनी मास्टर्स इसका सार यही है एक्चुअली द एसेंस ऑफ दैट बुक इज वन इज टू शो दैट देयर इज पास्ट लाइफ एंड देयर आर वी डू कम बैक इन डिफरेंट बॉडीज एंड हाउ ईच ऑफ आवर प्रॉब्लम्स आर कनेक्टेड टू आवर पास्ट एक तो वो हुआ दूसरा ये है कि एट द एंड ऑफ द बुक इट विल बी ओनली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द बुक दैट यू फाइंड दैट What really happened with Dr. Brian at the time, that Brian meeting his patient was actually not only for her to solve her problems, but unke liye bhi, taki wo enlightened masters se, devi devtaon se, aur unse connection ho paaye unka. So that is also something that some people do. Sometimes it happens accidentally. In a session, sometimes people do it intentionally. मतलब वो बस वो ही करने के लिए करते हैं. So these are different spiritual aspects as to where hypnotherapy helps and how it helps. It also helps in understanding the karmic nature of our being, of humans, or rather any living being. How we have taken on different lifetimes in different kinds of bodies. In different kinds of scenarios, how we come back in different settings, in different relationships. And this has especially the karmic nature, understanding of karmic nature has helped many people figure out how relationships work. Sambandhon mein, ghar mein, families mein, jo bhi hota hai, upar niche bahut hota hai, लड़ाई झगड़े भी होते हैं बहुत कुछ होता है तो ये सब बहुत अच्छे से जान लेते हैं लोग कि क्यों ये सब हो रहा है
और इसका हम क्या कर सकते हैं, इसके इसका जो कार्मिक कनेक्शंस है इसके पीछे, कि पिछले जन्मों में क्या क्या हुआ था, तो ये समझ में आने लगता है लोगों को। और आगे जाके जब ऐसा ऐसी कोई चीज हो घर पे, तो इतना उससे डिस्टर्ब भी नहीं होते लोग उसके बाद। मैडम आज के लिए इतना काफी रहेगा ठीक है, अगर आप कह रहे हैं क्यों तो ठीक है। नो नो नो, द थिंग इज ये है कि ये सब्जेक्ट ऐसा है कि यस काफी इस, वी कैन मैं गो वैसे ऑन भी एंड गो ऑन मैं अंत तक आ ही रही थी, जी थोड़े अभी प्लीज एक दो मिनट में ओके मैं ओके फाइन पिकअप प्लीज करूँ प्लीज प्लीज जी, कंक्लूड देन बिकॉज बस दो आई एम चार फुल ऑफ मिनट के बाद। क्वेश्चंस ओके ओके, मेबी वी शुड हैव अ सेशन ओनली फॉर द क्वेश्चंस, आई डोंट माइंड डूइंग दैट। No, conclude first and then श्योर, we'll go for बस या such things. या सो द होल आइडिया बिहाइंड दिस इज एनी अनडिजायर्ड पैटर्न्स दैट वी हैव इन आवर लाइव्स, एडिक्टिव बिहेवियर पैटर्न्स, जैसे एस्पेशली इन यंगर पीपल दीज डेज डिप्रेशन इज वेरी वेरी हाई, सुसाइड रेट इज एक्सट्रीमली हाई, सेल्फ हार्मिंग, सेल्फ कटिंग, आई मीन आई हैव हैड यंगस्टर 16 17 इवन 11 एंड 12 हु कट देयर आर्म्स कंटिन्यूअसली, सो ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम समवेयर डीप विद इन देमसेल्व्स, एंड दैट इज व्हाट हिप्नोसिस हेल्प्स इन गोइंग विद इन, फाइंडिंग व्हाट इट इज एंड रिलीजिंग इट देयर एंड हेल्पिंग देम लुक फॉरवर्ड टू अ मच मोर मीनिंगफुल एंड ब्यूटिफुल लाइफ। So this also helps in putting to rest a lot of anxieties about the future. What will I do in future? How will my life be? Will my children be okay? Will my family be all right? What if I die sooner? What happens to the rest of the family? So there are all these kind of anxieties. So that also can be put to rest. And like I said earlier, I am not a binary person. I am not someone who's very black and white about things. So that is why I think spirituality and science are an extension of each other, and they are somewhere connected and intertwined. And आध्यात्म और विज्ञान में कनेक्शन जरूर है ऐसा मुझे लगता है, भले ही विज्ञान अभी काफी सारी चीजों को अभी तक प्रूव नहीं कर पाया है कुछ ना कुछ उसमें कनेक्शन, इसीलिए शायद इसी वजह से मुझे लगता है साइंस, मेडिकल चीजें, मेडिकल प्रॉब्लम्स और स्पिरिचुअल इमोशनल इश्यूज में ज्यादा हम बाउंड्री नहीं कर पाते, बीच में एक लाइन नहीं ड्रॉ कर पाते कि ये प्योरली साइंटिफिक मेडिकल इश्यू है और ये प्योरली इमोशनल इश्यू है, तो इनको हमें अलग अलग करना थोड़ा मुश्किल ही लगता है, ये मेरा मानना है। And that I also think that because we humans, we need to be treated holistically, and that is why we are not humans are not creatures that have only physical aspect. So we have different dimensions to us, and spirituality is one of them. So treating a person spiritually and physically and emotionally, I think is a very good way of treating someone holistically than just only going on one path. So in conclusion, and in my opinion and experience, I think hypnosis helps us address humans and our troubles in a very holistic manner, taking into consideration all our different dimensions and aspects that we have. And with that, I close this and try and make it short. Thank you so much, ma'am. Thanks for a wonderful lecture and for this discourse. I'm really grateful to you. I'm glad. Thank you very मैं जैसे जैसे आपकी सारी बातें सुन रहा था, मैं अपनी ट्रेडिशन में वो सारी चीजों को साथ साथ देख पा रहा था कि कहाँ कहाँ कौन कौन से रेफरेंस मिलते हैं, कहाँ कहानियां मिलती हैं. जी लेकिन मुझे थोड़ी मुश्किल ये होगी कि जो कहानियों में मिलता है और उनके बीच में जो एलिमेंट रहेगा, जो नॉलेज एलिमेंट, उसको एट पार जी विद साइंटिफिक एविडेंस और साइंटिफिक
इन्वेस्टिगेशन उसके साथ लाने में, उस विषय में बातचीत करने में थोड़े अभी समय लगेगा, बट विल कंटिन्यू विद दिस। इससे पहले कि मैं कोई और कमेंट करूं, मैं आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी टू रिस्पॉन्ड टू दिस लेक्चर बिकॉज ही वॉज डीलिंग विद दिस काइंड ऑफ थिंग्स, और उनको जब सुना, आगे उनके लेक्चर भी सुने और उनके साथ मुलाकात भी मेरी दो तीन हुई है विषयों पर, तो मैं चाहूंगा कि पहले उनके हम कमेंट्स एक बार लें एंड देन वील गो फॉर क्वेश्चन आंसर सेशन, देन वील कंक्लूड। प्रोफेसर डॉक्टर अनिल अग्रवाल जी, प्लीज सर, यू आर विजिबल एंड थैंक यू सो मच। A lot has been said by Dr. Akash Das Bala and regarding hypnosis, mind, brain, consciousness, and so many other things, and even spirituality. Now, as a neurologist, because I've been functioning as a neurologist and as a general physician too, मैं ये कहना चाहूँगा कि इसमें बहुत सारे links हैं जो missing हैं, और बहुत सारा work अभी required है इसमें। Practical training and many more sessions are required for this thing. But anyway, मैं as a neurologist बताता हूँ कि what happens in can you show me? मैं screen share कर सकता हूँ सर। पहले डॉक्टर साहब की बात सुन लें सर, फिर उसके पापा नहीं बोल रहे हैं, उसी के लिए रिकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। If you can give me those, because there are few slides which may be of help. Yes, yes. Oh, okay. I withdraw my slides first. Please. Yeah, go to my slide. Your slides are visible, doctor. Yeah, coming, coming, come, just starting. Give me the last, my slide. Yeah, now what happens in functional MRI with functional MRI, what we can see, what happens to the brain, which are the areas which are acting active and which are depressed during hypnosis. What really happens? It's actually brain as such is a very complex thing. So many areas get activated for a very small movement, for a very small function. But still, with functional MRI, certain things have been noticed, that the decreased connectivity has been seen between dorsolateral and prefrontal cortex. Now, what is this area? This area is dorsolateral and prefrontal cortex. Here it is. Now, what does it do? This is involved in planning and decision making. The second one is posterior cingulate gyrus. Now, that is here, posterior cingulate gyrus. Here it is. Now, what really happens between these connections? If these connections are inhibited, then sensing and regulation of internal body and these other planning and decision making, this is depressed. That is one aspect. Second one is, there is increased connectivity between dorsolateral prefrontal cortex, the same cortex, with the insula. Now, what does insula do? Insula is involved in sensing and regulating internal body process. So, insula is this part here. Yeah, here. This is insula. This is seen internally. Once we lift up that parts of the brain which are covering it, you can see insula over there. And this is involved in sensing and regulating the internal body processes. Now, once there is increased connectivity between planning, hypnosis, decreased activity is also seen in dorsal interior cingulate gyrus. Now, dorsal interior, here it is. This is dorsal interior cingulate gyrus with the involved in emotional evaluation. तो उसमें वरी में, एफर्टलेस परफॉर्मेंस में, इमोशनल इवैल्यूएशन में, ये सब चीजें इन्वॉल्व है, ये पूरा ट्रैक्ट है। अब अगर हम इस ट्रैक्ट को इनिबिट कर देते हैं तो कोई वरी नहीं है, कोई एरर नहीं, कोई एफर्ट नहीं करते, तो परफॉर्मेंस विल बी जैसा इसको सजेस्ट किया गया, वो परफॉर्मेंस आगे सामने आ जाएगी। नाउ दिस इज फंक्शनल एमआरआई व्हिच हैज शोन दीज कनेक्टिविटीज एंड शोन दीज पाथवेज, कि ये है पाथवेज जिनकी वजह से हिप्नोसिस में ये हो रहा है। बट एनीवे, दिस ये कंप्लीट पिक्चर नहीं है, इसके लिए बहुत कुछ अंदर हो रहा है, इट इज नॉट वेरी सिंपल।
Now, when you talked about mind and brain, long ago it was said, where is mind? Right. को इलेक्ट्रोएन्सेफलोग्राफिकली डिस्क्राइब किया गया कि व्हाट इज माइंड इज दिस इज इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस व्हिच आर क्रिएटेड सब्जेक्टिवली दे क्रिएट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस व्हिच इज माइंड पीपल हैव गिवन डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ माइंड माइंड क्या है माइंड में बहुत बहुत चीजें बनती हैं माइंड ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर सो मेनी अदर थिंग्स आजकल हम साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स की बात करते हैं कहते हैं एस्थमा इज साइकोसोमेटिक एलर्जी इज साइकोसोमेटिक एस्थेसिया बेसिया डॉक्टर रवि जब पीएचडी कर रहे थे तो ही केम अक्रॉस वन केस वो पैरालिसिस था बच्ची को 12 साल की बच्ची विद पैरालिसिस पैरापैरालिसिस यू कैन से दोनों लेग्स उसकी रुक गई थी धर्मशाला में थे ये तो वहां वो बच्ची के फादर जो है वो ड्रिंक करते थे और बच्ची को किसी ने अडॉप्ट कर लिया अब एडॉप्शन के बाद ये बच्ची वापस दे दी जाती है उसी एनवायरनमेंट में जहां से उसको शुरू में ले गए थे उठा के वापस जब वो अपने एनवायरनमेंट में आती है तो फैमिली उसको एक्सेप्ट नहीं करती कि ये भी हमारी भाई बहन है फादर आल्सो डजंट लुक वो भी नहीं ध्यान देता माँ भी नहीं उतना ध्यान देती क्योंकि ये बच्ची तो चली गई थी बचपन में तो वो प्यार पड़ा ही नहीं उसके साथ रिजल्ट क्या हुआ कि बच्ची के माइंड में वो डुअल पिक्चर चलने लगी And the mind created a picture where it was given कि भैया तुम्हारी टांगे रहेगी और उसकी टांगे रहेगी. Now she was in contact with psychiatrists and many other neurologists. कुछ नहीं बना. डॉक्टर रवि की वहाँ पर इंटर्नशिप हुई तो ये गए वहाँ और वहाँ जाके इन्होंने बोला भी कुछ लगता है गड़बड़ because father was a chronic drunkard और वो लड़की दौड़ नहीं सकती है तो बोले अच्छा ठीक है कोई बात नहीं देखते हैं. उससे बातचीत करने के बाद ही डिस्कवर्ड कि भाई ये जो बच्ची है प्रोबेबली शी हैज ए साइकिक एलिमेंट ऑन इट एंड ही वर्कड ऑन हर ग्रेजुअली आफ्टर अबाउट 3 or 4 सिटिंग्स दैट गर्ल वाज रनिंग कहां एक पैरा पैरिसिस लेके बैठी थी यानी दोनों टांगे उसकी रह गई थी कहां वो चल एक लोकल है यहाँ पर पेशेंट है यहाँ बाला कैंट में ही माया उसका नाम तो नहीं लेता उसका ऐसा था कि शी इज ए स्कूल टीचर अब तो है कि नहीं रिटायर हो गई मुझे पता नहीं है पर वो स्कूल टीचर थी और आपस में हस्बैंड वाइफ लड़ पड़ते थे उसकी पैरालिसिस हुआ पैरापैरिसिस हो जाता था पैरापैरिसिस का मतलब दोनों टांगे रह जाती थी. शी वाज ब्रॉट टू डॉक्टर रवि ये काउंसलिंग करते थे वो ठीक ठाक यहाँ से चल के चली जाती थी गोद में उठा के लाते थे ठीक से चला के ले जाते थे. न्यूरोलॉजिकली मैंने भी उसको टेस्ट किया जब वो लाई जाती थी तो देर वर नो रिफ्लेक्सेस कुछ भी विजिबल नहीं था तो हम कहते थे भाई सेंट्रल है. अब सेंट्रल में भी प्रोबेबली इट वाज अ साइकी व्हिच वाज वर्किंग. अब एज फार एज क्वेश्चन ऑफ फर्दर माइंड का इफेक्ट जो आता है साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स में ऑटो इम्यून डिजीजेस आईबीएस यू रेफर टू सो मेनी अदर डिजीजेस सारी की सारी फर्क पड़ता है. इवन मैनेजमेंट ऑफ क्रॉनिक पेन्स एज यू सेड रूमेटॉइड आर्थराइटिस सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ब्यूटीफुल इट इज रियली डन इन दैट. इवन आई हैड रीनल मुझे रीनल पेन हो रहा था एक बार तो हमारे टीचर हुआ करते थे प्रोफेसर एंड हेड ऑफ फिजियोलॉजी इन क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल लुधियाना. He was my teacher and he used to come in the morning to me and once he saw that I was struggling with pain. मुझे renal pain हो रहा था गुर्दे में दर्द उठ रहा था पथरी का बड़ा जबरदस्त पेन था. तो डॉक्टर साहब आए मैंने बोला सर आप टीका लगा दीजिए मुझे मेरा दर्द बहुत है. बोले नहीं नहीं nothing doing. Now he was working on effect of exercise and mind on body. Okay. So he was also a doctor for Olympic players, Olympic hockey players के वो डॉक्टर भी थे. मैंने उनसे कहा कि सर मेरा टीका लगा दिया. बोले नहीं टीका तो मैं नहीं लगाऊंगा. ऐसे क्यों? बोले आपका पेन ऐसे ही ठीक करता हूँ. तो ही मेड मी लाई डाउन एंड बोले लेट जाओ. पहले 15-20 मिनट तो आई वाज इन एगोनी. मैंने कभी मैं बहुत तकलीफ हूँ सर टीका लगा दो नहीं मैं मर जाऊंगा. बोले कुछ नहीं होगा तुम्हारे को. इवन माई वाइफ प्रेड यू नो के डॉक्टर साहब टीका लगा दो. बोले अभी देखो ठीक करते हैं इसको. And he kept making certain movements. बोले कि तुम ये करो and what not you know. वो suggestions इतनी great थी. मेरा renal pain जिसके साथ मैं तड़प रहा था वो खत्म हो गया. Even I after that I practiced all that. अब आपने कहा ना self hypnosis की बात आई. तो मैंने practice अब practice करने के बाद मैंने देखा I can reduce my BP. अगर मेरा कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है. I am a patient of blood pressure, high blood pressure. तो कभी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है तो मैं उसको 20/10 यानी 20 सिस्टोलिक और 10 डायस्टोलिक मैं घटा सकता हूं बाय सेल्फ हिप्नोसिस. आई हैव प्रैक्टिस्ड दिस मेनी मेनी टाइम्स नॉट वंस. कई बार ऐसा हुआ
ये नेजल ब्लॉकेज हो गया, बहुत जबरदस्त ब्लॉकेज हो गया, कोई दवाई का असर नहीं, हैड एलर्जिक राइनाइटिस, रात को उठे भैया बैठ गए, बेड में बैठे सेल्फ हिप्नोसिस किया कि आई एम लुकिंग एट माय नोज, नाउ इट शुड ओपन, नाउ इट इज ओपन एंड ग्रेजुअली आई एम ओके नाउ एंड फाइनली आई फाउंड दैट आई कुड गेट रिड ऑफ दिस नेजल ब्लॉकेज. ये सब चीजें विजिबल है. फिर आपने बात किया मेमोरी इंक्रीज की. अब मेमोरी इंक्रीज का ऐसा है, ये डॉक्टर रवि भी ये काम कर रहे हैं, माय सन, ही इज माय सन, ही इज पीएचडी इन साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन क्लिनिकल साइकोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजी, एंड ही हैज वर्कड, ही हैज हैड ट्रेनिंग इन हिप्नोटिज्म आल्सो. तो इन्होंने मेमोरी के ऊपर काम करना शुरू किया एंड ही फाउंड दैट ही कैन इंक्रीज मेमोरी ऑफ पीपल, बच्चों की मेमोरी बढ़ा सकते हैं. और इन्होंने बोला कि बाय वर्किंग अबाउट फॉर अबाउट 72 आवर्स ये बच्चों की मेमोरी इतनी बढ़ा देंगे दैट दे विल हैव फ्लैश मेमोरी. बच्चा तैयार करके मुझे दिया ना, आई वाज सरप्राइज्ड एक्चुअली. आई वाज विद डॉक्टर जगदीश वांडे, डॉक्टर जगदीश सीएमओ यहाँ पर पीएनटी में, उनके घर में गया हुआ था उस बच्चे के साथ. तो वो कहने लगा जी आपके यहाँ टेबल पर बहुत कुछ सामान पड़ा है, उसको कवर कर दें. तो डॉक्टर जगदीश बोले भाई क्यों कवर कर दूं, बोले करो. तो उन्होंने कवर कर दिया, बोले अब आप मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ, सामान को रीअरेंज कर दीजिए अपने हिसाब से. बोले भाई तू क्या करना चाह रहा है, करो तो सही. वो कर दिया जी, उसको कवर कर दिया. देन ही सेड के मुझे खाली एक मिनट के लिए ये चादर हटा दीजिए इसके ऊपर से. वो चादर हटाई, सामान देखा उसने और ऊपर से चादर कवर कर दी. विद इन वन मिनट टाइम ही कुड चॉक आउट एवरीथिंग इंक्लूडिंग कलर्स, और वहां एक पेन स्टैंड पड़ा था उसमें कितने पेन है, क्या कलर है, एवरीथिंग ही कुड से आफ्टर वन मिनट. डेंटिस्ट थे डॉक्टर, क्या नाम उनका बेटा फिफ्थ क्लास में था, वाज हैविंग दिस कोर्स ऑफ मेमोरी इंक्रीज का कोर्स करा रहे थे डॉक्टर. उसकी बिटिया भी एक यही कोर्स कर रही थी, लेकिन बिटिया पढ़ रही थी इलेवेंथ में, डॉक्टर अत्री, या आई रिमेम्बर द नेम नाउ, डॉक्टर अत्री. तो इलेवेंथ में उसकी बिटिया थी, उनकी एक किताब में एक पैराग्राफ उस बच्चे को दिया गया फिफ्थ स्टैंडर्ड को, बिकॉज उसकी मदर मान नहीं रही थी कि ऐसा हो सकता है कि बच्चे की फ्लैश मेमोरी हो जाएगी. हमने कहा अच्छा चलो एक डेमोस्ट्रेशन देते हैं. डॉक्टर अभी बोले देखिए आप डेमो लो मेरे से आप. तो वो बच्चे को बोला कि यार आपको 5 मिनट देते हैं, आप बाहर जाओ इसको पढ़ के आ जाओ. अब पांचवी क्लास का बच्चा 11वीं क्लास का फिजिक्स का पैराग्राफ पढ़ रहा, एक पैरा दे दिया उसको, वो 5 मिनट से 4 मिनट में ही अंदर वापस आ गया, बोले सुन लो मेरे से. एंड वर्ड बाय वर्ड ही कुड रिसाइट दैट, जो उसको पता भी नहीं उसका मीनिंग नहीं मालूम. पॉसिबल है. अब क्वेश्चन आता है, आपने एक क्वेश्चन और उठाया, टू टॉक टू कम्युनिकेट विद पीपल हु आर नॉट लिविंग नाउ. इसका कुछ आइडिया मैं बता सकता हूँ जो मेरे साथ हुआ. My father was professor, head of history here in SD College, and he retired from there long ago, somewhere in 1977, I think he retired. Okay. What happened is, one fine day, it was in 1992, 16th of May 1992, morning May, around 6 a.m., while sitting on a chair, he died. अब मुझे नहीं पता था, I was about 1 kilometer away, मैं गोविंदनगर में था, फादर बंगाली माला, which is just नजदीक ही है इसके एसडी कॉलेज के, हम लोग सबके बराबर इक्वी डिस्टेंट है फ्रॉम गोविंदनगर टू बंगाली माला. नाउ व्हाट हैपेंस इज, मुझे कोई मैसेज मेरी मदर ने देना चाहा ऑन टेलीफोन कि दिस इज व्हाट हैज हैपेंड, लेकिन मदर दे नहीं पाई, उनको टेलीफोन नंबर मेरा घबराहट में याद नहीं रहा. सडनली एक आदमी, वो किसी को भेजती है मेरे घर में, वो आदमी गेट पर आता, मैंने आज तक कभी गेट अपने हाथों से नहीं खोला. बट दैट डे आई रश्ड फ्रॉम माय बेड टू द गेट, माय वाइफ वाज आफ्टर मी, चप्पल तो डाल लो, डॉक्टर साहब रुको कहाँ जा रहे हो. बट आई डिड स्टॉप, आई वेंट टू द गेट एंड आस्क दैट मैन, पिताजी जिंदा हैं या चले गए. वो कहता नहीं आपका फोन आ गया. मैं गया, नहीं फोन तो नहीं आया, पर मैंने क्या बोला आपको, बोला आपने बोला पिताजी जिंदा हैं या चले गए, मैं कहा पता नहीं. एंड देन ही टोल्ड मी नो ही इज नो मोर. How it all happened, I don't know. मेरे पास जवाब नहीं है. But something we are in contact with these people. मैंने हॉस्पिटल बनाया ये. तो एक बार मुझे रात को सपना आता है, ड्रीम की बात करता है.
हिप्नोसिस में हिप्नोटिक ड्रीम भी कहे गए, ये भी कहा गया कि हम ड्रीम करते हैं REM स्टेज में, दैट इज रैपिड आई मूवमेंट स्टेज। अगर आप किसी बच्चे को देख लेना कि सो रहा है तो यू कैन सी कि उसकी आंखें धीरे धीरे हिल रही हैं, तो दैट मीन्स ही इज ड्रीमिंग। नाउ आई कैन नॉट टेल व्हाट ही इज ड्रीमिंग, बट वी कैन टेल जॉली वेल ही इज ड्रीमिंग बाय परफॉर्मिंग ईईजी। उसके स्कैल्प इलेक्ट्रोड्स लगा के हम ये भी बता सकते हैं कि ये ड्रीम कर रहा है। इवन मैक्रोस्कोपिकली ऑल्सो मीन्स जस्ट हैविंग अ लुक एट द चाइल्ड्स फेस, आप बता सकते हैं कि हाँ भाई ये बच्चा ड्रीम कर रहा है, बिकॉज देयर इज बच्चा और बड़ा जो भी है, यू कैन सी द मूवमेंट ऑफ आईज। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट स्टेज, जिसमें बच्चा ड्रीम कर रहा है। अब ये रात भर में आदमी 11 बजे सोया तो सुबह 6 बजे तक करीब चार बार ये पीरियड आते हैं। इनिशियली इट इज अराउंड 15 मिनट्स ऑफ ड्रीमिंग, देन इट इंक्रीजेस टू 30 मिनट्स, देन टू 1 आवर, एंड फाइनली इन द मॉर्निंग टू 1.5 आवर। अब दूसरी स्टेज ऑफ स्लीप होती है NREM। NREM इज नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्टेज ऑफ स्लीप, बट वी ड्रीम इन REM स्टेज। तो ये भी कहा गया कि हिप्नोटिक ड्रीम इज ए सॉर्ट ऑफ क्रिएटेड REM स्लीप और इंड्यूस्ड REM sleep in people whom we hypnotize. Ab REM stage mein they dream, and what they if they get up in the morning in REM stage, I'm coming to the clinical part of it. Kya uska fayda kya hua main janne ka, bhi REM mein bachcha ya person dream kar raha hai ya nahi kar raha, wo ye hai ki morning mein jab aadmi uthta hai agar wo REM stage mein utha, isliye kehte hain early to bed early to rise makes a man healthy wealthy and wise, wo yahi tha कि रात को आप 10:30-11 सो गए भाई, सुबह 4 बजे उठ गए, क्योंकि 4 बजे के बाद वो ड्रीम का पीरियड खत्म हो जाएगा। और जब भी आप उठेंगे तो आप उठेंगे REM स्टेज में। REM स्टेज में मींस यू आर ड्रीमिंग एंड यू गेट अप, और उसमें आपको सारे ड्रीम याद रहेंगे रात के जितने भी ड्रीम है। तो वो जब याद रहेंगे, अगर रात भर आप सपने में दौड़े हैं तो भैया आप मॉर्निंग में इतनी थकावट महसूस करेंगे, यार मैं तो थक गया दौड़ दौड़ के, और वो सिरदर्द भी हो जाएगा। बहुत सारे मरीज सिरदर्द के आते हैं जिन्हें हमें बताना पड़ता है कि यार अपना टाइमिंग सेट करो आप सोने का। अगर आपको आप कितने बजे उठते हैं, बोले 6 बजे, आपको सपने याद रहते हैं, याद रहते हैं, वी से वी गेट अप एट 4 o'clock और 4:30 और 5 o'clock, और बहुत सारे लोगों का वी कैन गेट रिड ऑफ देयर प्रॉब्लम्स। कई बार ड्रीम सच भी हो जाते हैं। अब वो ड्रीम सच होने का तो मेरे साथ तो खैर बहुत बार हो चुका, नॉट मेनी मेनी टाइम्स, आई कैन सी व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अब इसको कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, एनीवे मैं देख चुका बहुत कुछ, इतना कुछ है। मैं आई एम अराउंड 70 इयर्स ऑफ एज, और इस उम्र तक आते आते बहुत बार ऐसा हुआ कि एक ड्रीम मुझे पहले आ जाता है, मुझे पता लग जाता है व्हाट इज गोइंग टू हैपन। मेडिकली हम लोग इसको एक्सेप्ट नहीं करते, राइट सर, कि भाई ऐसा भी हो सकता है किसी के लिए, उसके बाद आगे चलते हैं। थैंक यू सर। ये तो हो गया REM स्टेज का, हो गया जी। नाउ वी गो टू कम्युनिकेशन विद द सोल, सोल भी हो गया जी। What we need next is आपसे जो चाहिए, that is certain practical sessions चाहिए, right? Which you can show people that see this is what how we get into the backstage or previous life, how we do that. So, if you can train few more people on this issue, if you are really trained on that, you should train other people also in taking them to their back life. And see, अगर past life में आप उनको ले जाए regression में, and if you can get rid of certain diseases, it's beautiful. I think it is a field which has not been explored so much. It needs to be explored further. Many more people need to be trained on this. Sir, ये बात तो ठीक है, लेकिन इसके लिए we need lots of sessions, we need lots of time. ये only then but we can do is one or two sessions will probably provoke people कि चलिए आप training लीजिए भैया, it is going to be of help. जी 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 बिल्कुल, ये that is what, ठीक है ना सर जी, that is what I could add on to it, but anyway this session was beautiful, I enjoyed the session very much, thank you so much. Thanks for sir, thank you so much, thank you very much. बल्कि आपकी बातों से और मैडम की बातों से मेरे सामने 2-3 चीजें और आ गई हैं, और मुझे लगता है कि अगर हम इसको कंटिन्यू करें, अगर आप दोनों सहमत हो, तो इसका एक थर्ड एस्पेक्ट जो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी है, जिसको मैंने थोड़ा सा समझने की कभी कोशिश की कि किसी की सिकनेस को, किसी की बीमारी को समझना हो तो मेडिकल एस्ट्रोलॉजी उसमें बड़ी हेल्पफुल होती है। एक चीज, जब आप मुझे वो डायग्नोसिस दिखा रहे थे तो मैंने कुछ रिपोर्ट्स पढ़ी योगियों की, जहाँ पे क्लिनिकली दे आर ब्रेन डेड,
उसमें कोई थॉट प्रोसेस नहीं है, लेकिन उन लोगों की कमांड ये है कि व्हेन दे वांट टू थिंक दे थिंक एंड व्हेन दे डोंट वांट टू थिंक दे डोंट थिंक, देयर इज नो थॉट। अब ऐसी सिचुएशन में मेडिकल जो आपने जो सारी बातें की और जो मैडम अभी कर रही थी, अभी तो बहुत सारे ऐसे सामने मेरे सवाल हैं, लेकिन वो सवाल अभी मैं आप लोगों के सामने नहीं रख रहा। और एक पक्ष और कि मेडिकल एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात कर रहा था, एस्ट्रोलॉजी की जब मैं बात कर रहा था, किसका फोन ऑन प्लीज, किसका फोन ऑन, हेलो, ओके मैडम मोनिका प्लीज डोंट अनम्यूट योर माइक। मेडिकल एस्ट्रोलॉजी के ऊपर जब मैं एक छोटी सी वर्कशॉप कर रहा था जिसमें बायोकेमिक सॉल्ट्स और ये सन साइंस, इन दोनों के रिलेशनशिप को जब उसमें मैंने एक्सप्लोर करने की कोशिश की तो दोनों में एक बहुत गहरा रिलेशनशिप है। दोनों की नेचर में, दोनों के कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन को अगर आप मिलाएं कि बायोकेमिक सॉल्ट्स जो होम्योपैथी के हैं और उधर जो 12 सन साइंस हैं उनकी नेचर को अगर आप देखें तो बड़ी सिमिलैरिटी हमें दिखाई देती है। हालांकि मेरी दृष्टि में ये इन सब चीज़ों को तो हम फिर किसी नेक्स्ट सेशन में करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूं कि अभी भी लोग हमारे साथ 120 जुड़े हुए हैं, वो उनके पास कुछ ना कुछ सवाल होंगे, कुछ ना कुछ पूछना चाहेंगे, तो मैं चाहूंगा कि मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, एक सिस्टम को ध्यान में रखते हुए, प्लीज बी वेरी वेरी ब्रीफ टू द पॉइंट, अपना क्वेश्चन अपना एक ना अपना माइक अनम्यूट करके करे, अदरवाइज इट विल बी सो हॉचपॉच कि भी किसी को कुछ किसी की बात नहीं समझ में आएगी और मैडम जो है ना रिस्पॉन्ड कर पाएंगे ना डॉक्टर साहब कोई रिस्पॉन्ड कर पाएंगे उन क्वेश्चंस को। लेकिन एक बात मैं बताऊं आप लोगों को, संस्कृतज्ञों के लिए बहुत सारी चीज़ें उभर कर इससे आई हैं। काउंसलिंग टेक्निक्स संस्कृत में हम देख सकते हैं लेकिन हम लोग करते नहीं हैं। हम माइंड का जो अभी मैं नेक्स्ट वीक मोस्ट प्रॉबली इंडियन साइकोलॉजी के ऊपर दो सेशन रखूँगा और मैं चाहूंगा कि आप लोग उसमें जुड़ें कि इंडियन साइकोलॉजी में ह्यूमन बिहेवियर को कैसे डिफाइन करते हैं और जो मन जिसकी हम बात कर रहे हैं और माइंड और सारी चीज़ें, इनके ऊपर हम सब बातें करेंगे अगले दो सेशंस में। लेकिन बहुत सारी संभावनाएं हैं संस्कृतज्ञों के लिए, साइकोलॉजिस्ट के लिए और साइकेट्रिस्ट के लिए कि अगर वो मिलकर बैठ के बात कर सकें तो बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं। एनी वन ऑफ यू वॉन्ट्स टू आस्क अ क्वेश्चन, यदि किसी का कोई सवाल हो तो। यस महेश कॉल जी, आई विल अनम्यूट यू। यस आ रही सर, मैं फर्स्ट एंड देन। हाँ सर, मैं डॉक्टर महेश कॉल हूँ, पोस्ट डॉक्टरल फेलो इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च नई दिल्ली से। अक्षता मैडम को भी धन्यवाद, डॉक्टर अग्रवाल साहब को भी धन्यवाद, दोनों ने जो पक्ष जोड़े उससे तो जैसे आशुतोष जी ने कहा कि एक नया रास्ता सामने हमें दिख रहा है। लेकिन कुछ एक ऑब्जर्वेशन के तौर पर भी मैं कहना चाहूंगा कि हम मैडम ने एक इशारा किया था बेसिकली सभाओं में लोग जैसे वो भ्रांतियां फैलाते हैं हिप्नोटिज्म की, और खास करके हमने इवेंजेलिकल ग्रुप्स को देखा ऐसे करते हुए जिसके माध्यम से बाद में फिर धर्म परिवर्तन वगैरह की बात होती है। हमारी दुर्भाग्य ये रहा कि जैसे हमारे पास रिच ट्रेडिशन रहा संस्कृत का, संस्कृत ट्रेडिशन में प्राइमरी सोर्स कश्मीर शैविज्म में, खास करके हमें जो अभी लिंक कर रहा था अभिनव गुप्त के तंत्र लोक और तंत्र सार मेरे मन में आ रहा था और वहां पर समावेश की बात है। और समावेश के जब हम शक्तिपात की बात करते हैं तो हम एक चीज गलत करते हैं कई बार, हम मिथ बोलते हैं अपने ट्रेडिशन को। जब भारत बाहर की बात करते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन की तो उसमें हम कहते हैं वेस्टर्न ट्रेडिशन में इस फला साहब ने ये कहा, और स्पिरिचुअलिज्म जैसे आपने कहा राइटली कि उसका तो बिल्कुल बैकग्राउंड डिफरेंट है। तो हमारे पास जो कॉन्शियसनेस है, महर्षि अरविंद भी सुपर माइंड की बात करते थे और वो कहते थे कि माइंड जो है वो इंटेलेक्ट के साथ जुड़ा है, वो ईगो का कारण है, लेकिन जब अंदर से आदेश मिलते हैं तो उसको हम सुपर माइंड कहते हैं। तो उसमें इंटेग्रल योगा की बात की उन्होंने। तो हमारे सामने बड़े पक्ष हैं और उन पक्षों को सामने लाना होगा। आज यहाँ से इस चीज का सृजन हुआ, आगे हम बढ़े, बहुत अच्छा लगा, लेकिन हमें इस दृष्टिकोण को यहाँ से आगे बढ़ाना होगा, हमें वेस्टर्न कंस्ट्रक्ट से बाहर निकलना होगा, क्योंकि हमारे पास बिल्कुल मंत्र दृष्टाओं के जो हैं पूरे एक्सपेरिमेंट्स हैं। क्योंकि राइटली मैं पहले भी एक बार कह चुका था कि संस्कृत के शब्दों को आप नॉन ट्रांसलेटेबल मानिए इंग्लिश में, सेमेटिक ट्रेडिशन में, तो साइंटिफिक तरीके से तो ठीक है, लेकिन हमें कृपा करके इसको माइथोलॉजी ना कहा जाए जो हम बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास कश्मीर शैविज्म में जैसे तर्क शास्त्र में या स्पंद शास्त्र में हम प्रतिविज्ञान की बात करते हैं कश्मीर में,
प्रतिविज्ञान कश्मीर शैविज्म का एक बिल्कुल अलग स्कूल ऑफ थॉट है जिसे पहचान प्रतिविज्ञान सेल्फ रिकॉग्निशन। तो हिप्नोसिस अगर हम देखें तो हिप्नोसिस इज हाउ बेसिकली यू डू योगा फॉर अदर्स, एक तरीके से हाउ यू डू योगा फॉर अदर्स। सो बेसिकली हमें इसको इस वेस्टर्न से फ्रेम से डिकंस्ट्रक्ट करके जब हम निकलेंगे तो हमें ये भ्रांतियां दूर होगी, क्योंकि परमार्थिका और व्यवहारिका को वेस्टर्न लोगों ने अलग कर दिया, अनहिंज कर दिया हमारे ट्रेडिशन से, उसके कारण ये परेशानी आ रही है। परमार्थिका और व्यवहारिका को जब हम जोड़ के देखेंगे तो कोई मिसिंग लिंक नहीं है हमारे ट्रेडिशन में कि हम कैसे पीछे अपने पूर्व जन्म में जाएं या कहीं पर भी। तो कश्मीर के शिव परंपरा में तो बड़ा क्लियर है, इस पर कभी और चर्चा करेंगे। धन्यवाद। इसको जब हम इंडियन साइकोलॉजी का वेबिनार करेंगे, अगले दो सेशंस मेरे लगाने का है नेक्स्ट वीक में, तो इंडियन साइकोलॉजी में वी विल टॉक अबाउट। जी जी जी। एनीवन एल्स? एक मेरे पास प्रश्न आया हुआ है मैडम आपके लिए कि हाउ कैन वी ट्रेन अवर माइंड्स इन सच ए वे दैट वी कैन ओवरकम अवर प्रॉब्लम्स। ये मैडम वंदना रोहिला जी हैं। मैडम अक्षिता जी जी, प्लीज रिस्पॉन्ड टू दैट। द क्वेश्चन इज हाउ कैन वी चेंज अवर माइंड। नो नो, ट्रेन अवर माइंड। ट्रेन अवर माइंड, ओके। सो ट्रेनिंग अवर माइंड, एक्चुअली इफ यू हर्ड ऑफ थिंग्स लाइक अफर्मेशंस फॉर एग्जांपल, anything that you do, something like affirmations and any thought processes that you do over and over every day, then that is one way of training the mind. The other ways of training the mind is also, of course, finding a hypnotherapist or finding an NLP practitioner that can reset your thought processes. That's another way of doing it. But otherwise, I think one of the most beautiful ways to do it is, which I personally practice, is to be aware in the moment, to live in the moment, to train yourself to live in the present. I think that makes a lot of difference, because from how much I have understood, all our problems, anxieties, fears and everything are either in the past or in the future. They are not there right now, this moment. So if we train ourselves to be here right now, I was just reading something last night, and the author was talking about death and how the last breath, it was early this morning, so the last breath that the person takes and then the body is lifeless after the soul leaves. So the breath stops and then the body is lifeless. So it is that breath that actually suggests that we are still alive in this body. And I think one of the most beautiful practices for me personally, and also a lot of my clients, has been to train ourselves to stay with our breath, to be aware of our breathing throughout the day as many times as you can. Fine. That aspect, I think, any other question? Then we'll conclude about it, the whole session. I can add two words if you want. Yes, please, sir. If you really want to induce self-hypnosis or aap chahte hain ki bhi aap apne mind ko train karein, first of all, jot down your problem on the paper. Sabse pehla, recognize your problem, hai bhi ke nahi hai. And jot it down. See then what you can do for it. And third point is auto-suggestion. Apne aap ko suggest karein ki yes, I can do it. And then do it. As I told you, I have allergic rhinitis and many times I get up at night. And I do auto-suggestion and get rid of it. So same way, you can train your mind. I can reduce my BP, I told you. Similarly, you can also do that. These are all affirmations. So even affirmations, yeah. But it has to be very, very, affirmations must be constructed, must be structured. The sentence must be structured really very carefully. Because there's millions of affirmations on the internet, but a lot of them have mistakes in it, in the sense that the words are not always with a positive connotation. So using the right words and creating, structuring your own affirmations would be extremely helpful. And repeating them every day would be helpful. Exactly. Madam Akshita and Dr. Saab, I think if we correct the language, most of the problems we can solve. Yeah. If I use this language, the body has been given to me and the mind I have accumulated from my experiences,
So I should control over them. They should not. So this is the basic crux of the whole Indian tradition. That is why when I wake up in the morning and I say karagre baste lakshmi ankar madhye tu saraswati, कि आपके हाथों की उंगलियों में जो है वो लक्ष्मी है, उसके बाद सरस्वती है एंड क्रिएटिविटी है लास्ट में. सो मतलब हम लोग कभी एक्सप्लोर नहीं करते अपनी ट्रेडिशन को कि हम लोग कितने, हमें हम ये जब शब्द मैं सुनता हूँ ना, पॉजिटिविटी की बात करें आप, स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करें, आई रियली वंडर कि हम तो खूबसूरत चीज़ों को मैनेज करने की बात तो सुन में आती है, स्ट्रेस को मैनेज करना ये क्या बात है. लेकिन इस चीज को हमने ऐसे एक्सेप्ट कर लिया है अपने लाइफ के हिस्से में, मुझे तो कई बार बहुत हैरानी होती है. सिंपल सिंपल अगर हम एग्रेरियन कल्चर को एक्सेप्ट कर लिया, सो मेनी थिंग्स कैन बी रिजॉल्व विदाउट एनी हैसल. लेकिन अब वो कई सारी चीजें हो गई हैं और मुझे लगता है कि अगली बार हम लोग इन चीजों के बारे में दोबारा बात करेंगे, क्योंकि अभी एक बार में तो सारी चीजें स्पष्ट हो नहीं सकती. अब मैडम अक्षता जी, आपका लोग नंबर चाहते हैं, आपसे कांटेक्ट करना चाहते हैं. डॉक्टर रवि जी प्लीज पुट योर नंबर हियर आल्सो, क्योंकि कुछ लोगों ने जानकारी चाहिए है कि बच्चों की मेमोरी को कैसे हम इंक्रीज कर सकते हैं. तो चैट बॉक्स में कैन यू प्लीज गिव योर नंबर, कांटेक्ट नंबर. मैडम अक्षता जी, कई लोग आपसे संपर्क करना चाहते हैं. मैडम काउंसलिंग सेशन भी लेती हैं और लगभग एक सेशन जो है वो लगभग 3 से 4 घंटे का होता है हिप्नोसिस का, और कुल मिलाकर के जहाँ तक मेरी जानकारी है कि एक या दो सेशन काफ़ी होते हैं नॉर्मल केसेस के लिए. सीवियर केसेस में थोड़ा सा वो ज़्यादा होता है. तो मैडम के साथ आप बातचीत कर सकते हैं, उनके साथ आप चाहिए भी कर सकते हैं. लेकिन मुझे लगता है कि ये अभी हमने तो केवल छुआ है इन चीज़ों को, और नेक्स्ट टाइम जो है वो हम नेक्स्ट सेशन में हम ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे चीज़ों को. बहुत सारे ऐसे इश्यूज हैं जो अभी छूते रह गए हैं. ठीक है ना. आप में से अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है, लिंक हमने दिया हुआ है, प्लीज टू रिसीव योर सर्टिफिकेट. ईमेल ठीक से डाल दीजिएगा. और इन्हीं सब शब्दों के साथ मुझे लगता है कि मैं आज के सभी सबसे पहले श्रोताओं का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने बड़े धैर्य से इन सब बातों को सुना. हालांकि कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स आई बीच में, और जैसा मेरे सुनने भी में आया कि BSNL में काफ़ी प्रॉब्लम इस वक्त चल रही हैं, कनेक्शन पूरे नहीं हो पा रहे हैं. और उसी के साथ साथ लेकिन उसके बावजूद धैर्यपूर्वक जुड़े रहे और उन्होंने पूरी बात सुनी, उसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, सभी श्रोताओं का, ऑडियंस का. और इसके साथ ही मैडम अक्षता बालाजी का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, उनके प्रति अपना आभार जताता हूं कि उन्होंने मेरे निवेदन को स्वीकार किया, समय निकाला अपने शेड्यूल में से. ये मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है. लेकिन मैं समझता हूँ मैडम, एक टीचर होने के नाते इतना अधिकार तो बनता ही है. ठीक है ना, टीचर होने के कई प्रिविलेजेस होते हैं. और टीचर तो लेकिन आप ये मत समझिएगा कि मैं अपने अधिकारों का जो उपयोग है वो यहीं रोक दूंगा. मैं अभी थोड़ा सा और भी इसका उपयोग करूंगा. डॉक्टर साहब तो मेरे से उम्र में बहुत बड़े हैं, अनुभव में भी बहुत बड़े हैं, तो उनके प्रति तो मैं अपना प्रणाम अभिव्यक्त करता हूँ, वो मेरा प्रणाम स्वीकार करें और इसी तरह से हमारा मार्गदर्शन करते रहें. डॉक्टर साहब एक ऐसे व्यक्ति रहे हैं जो खुद, जिनका अपना सेमिनार हॉल है अपने क्लिनिक में, और रिसर्च और सेमिनार्स एक कंटिन्यूटी में है उनके पिछले कई वर्षों से, लगभग 30 साल से तो मुझे ही हो गए अम्बाला में. तो मैं जानता रहा हूँ उनको, पता तो लगता रहा है लेकिन संपर्क बहुत ज़्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन उनकी इनसाइट्स हमेशा हमारे लिए यूजफुल रही हैं. और मैं चाहूँगा कि अगला जब सेमिनार हम लोग करें इंडियन साइकोलॉजी पे, तो आप लोग जुड़ें और उसमें अपनी सजेशन साथ दें. और इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ. आई एम रियली ग्रेटफुल टू यू एवरीवन. थैंक यू सो मच.
You can leave. Thank you so much to everybody who was sat through. Thank you, sir. Thank you. Thanks a lot. Thank you, ma'am. Thank you, sir. Thank you, Dr. Akshita ji, please give your phone number to the people who are asking for it. Yes, I have left the phone number in the chat box. Okay. Thank you. सर मैंने भी दे दिया है. हाँ जी ठीक है सर. ठीक है. एक्चुअली कुछ लोग जानना चाह रहे थे कि ये मेमोरी को लेकर के और थैंक यू. तो वो डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं. आई विल डेफिनेटली लेट हिम नो. जी 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 डेफिनेटली. सो होपफुली वी मीट नेक्स्ट वीक और सो. थैंक यू. थैंक यू मैम. मैं धन्यवाद बाकी तो आपका बाद में कर लूंगा. थैंक यू वेरी मच. मैडम मैं आपको चैट बॉक्स भेज दूंगा सारी चैट का. आशुतोष महोदय नमो नमः. ऋतु अस्मि. नमस्कार मैम कैसे हैं आप? बस सर हमें आज आने की आज्ञा नहीं मिली. हम सो से बाहर वाले थे. नहीं हम अब आप जुड़ गए. आपका परिचय तो मैं करवाई थी. मेरा वीडियो मेरे को भेज दीजिएगा मैं सुनूंगी बाद में. इसको आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स है संस्कृत में. जी जी मैं सुनना चाहती हूँ लेकिन मैं सौ से बाहर थी तो मैं बाहर ही बैठी रही. कोई नहीं मैम हम क्लास से निकलते हैं आज.